नमस्कार दोस्तों, अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू और घिया की सब्जी बनाने जा रहे हैं और आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिन्हें आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं घिया और आलू की सब्जी बनाना। ये हमने 1 किलो घिया ले लिया, जिसको हमने बारीक कट करके धो के पानी में से निकाल लिया, और 4 हमने इसमें आलू डाले हैं। जैसे आलू से ये तरी को मिक्स कर देगा। ये हमने 4 टमाटर ले लिए और 4 हमने हरी मिर्चें ले लिए, जिसको हमने बारीक कट कर लिया। ये 1 छोटी चम्मच जीरा है जो हमने ले लिया। ये हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है धनिया की जगह पर। ये हम मसाले में डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। गैस को हम करेंगे ऑन। हमने सरसों का तेल डाल लिया, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगेगा तो हम टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। डालेंगे इसको अच्छी तरह से डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे रंगत अच्छी आ जाती है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने मसाले को भून लिया अच्छी तरह, घी भी ऊपर आ गया, तेल रंगत काफ़ी अच्छी बन गई है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके घी को डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे मसाले में। काफ़ी अच्छी तरह मिल गया है। हम एक कटोरी पानी डालेंगे। हम 3 बेसन लगाएंगे कुकर की। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं, ढक्कन को। अब हम 3 सीटी लगवा के हम सर्व डिश में, कटोरे में डाल देंगे। हमने कुकर की 3 विसल लगा ली थी। अब हम कुकर को खोल के देखेंगे कि घिया कैसे बना है। काफ़ी अच्छा बन गया, कलर भी अच्छा हो गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम डोंगे में सर्व करेंगे। सब्जी बनके घिया 3 सीटी में बनके तैयार हो गया। जल्दी बन जाता है और घर की चीज़ों से बन जाती है सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फीडबैक हमसे शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। थैंक यू।